ससराम है एक पिंड, ये कस्बा है जी काफी बिहार दे विच। कुछ विद्वानों का मत है कि शेरशाह सूरी की जन्म भूमि है ससराम। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जो पूर्ब नू प्याना कीता है, बनारस जाते अगे तुरदे आ, ससराम दे विच एक बहुत भावना वाला सिख रहिंदा है, उसका नाम सी भाई फग्गो। कई थावां ते फग्गू लिखिया, ते उनू अदब नाल सारा पिंड सारे सिख चाचा कहिंदे सन। इतिहास विच उस सिख का नाम है चाचा फग्गू। उहदा काम की सी जी, घर घर भी जाके बाणी का प्रचार करना, कल्ली जाके सिमरन करो, बाणी पढ़ो, नाम जपो, लोड़ पैनी पोथियां तक गुटकियां तक लिख देने भी आ लै लो, फिर कहना कि तुसी अपनी किरत कर दियो, दसवंध गुरु लई जरूर कढ़ी दा है। वह दसवंध इकट्ठा करना ते फिर खुंडी करके गुरु दरबार विच भेज देनी। कदी भी एक पैसा मैं कहां टका शब्द, एक टके दी भी कदे उन्हें बेईमानी नहीं की थी। जो है सब कुछ कट्ठिया करके अरदास कर देनी, महाराज तेरे सिखा ने दिता है ते मैं ते आप बंदगी बड़ी करनी। उहदे मन च शब्द का अभ्यास तो कर ही रहा सी। एक दिन बैठिया फुरना आया कि तेरे शब्द की कृपा नाल नेड़ता है, पर आप जी अजे पंजां तत्तां दे इस पवित्र शरीर विच कौतक वरता रहे हो, ते मेरी तीवर इच्छा एक बारी मेरे घर चरण पा दिओ, सतगुरु मेरे घर आओ। ये मिथ नहीं, ये सच्चाई है उत्थों दी। मेरे घर च चरण पाओ, मैं बेनती कर रहा कि सच्ची प्रीत भी है। ते अरदास कर दिती, घर बनाया, ते जिहड़ा दरवाजा बनाया कारीगर लियांदे कहिंदा दरवाजा वड्डा बना दिओ, घर दे अगे बूहा एडा वड्डा चौड़ा उच्चा। ते पिंड वाले इकट्ठे हो गए, चाचा ये की कर लगा एडा वड्डा बूहा क्यों? कहिंदा गुरु छोटे बूहे चो किवें लंघेगा, उन्हें आना जरूर है। उन्हें कहा कित्थे गुरु, पंजाब की धरती कित्थे तू, ससराम बिहार विच इन्नी दूरी उदो किहड़ा साधन सन? वो कहिंदा यह गल तुसीं छड्डो, दरवाजा वड्डा करो, मैनूं पूर्ण यकीन है मेरा गुरु तेग बहादुर घोड़े ते चढ़िया होया अंदर आएगा। मैं चाहना ये गली च बूहे च ना उतरन, बाहर ना उतरन, ये घोड़े ते चढ़े हुए सतगुरु मेरे घर च आउण। ते सच्ची जी दरवाजे वड्डे चाहिए ने गुरु बुलाउण वास्ते, दिल दे दरवाजे छोटे नहीं चाहिए हुंदे, दिल दा वड्डा दरवाजा होवे। उहने अरदास कर दित्ती, कारीगर पहला कियां डकिया भी की पता महाराज आना कि नहीं, क्यों भरोसा सी, कहिंदा जरूर आउणगे। कहिंदा तू कोई सुनेहा भेजिया? कहिंदा नहीं, चिट्ठी दे सुनेहे बाद भी जांदे ने, मैं शब्द दियां तरंगां भेजना, मैं रोज शब्द भेजना गुरु नूं आवाजा मारना, जिहड़े अंदर दी खिच हुंदी है ना, आ तां जिहड़ा बाहर जो कुछ भी बनिया पिया फोन दूजा तीजा इहनूं तां देरी लगदी है, फुरने नूं फुरने तक पहुंचदिआं कित्थे देरी लगदी है। कहिंदा जरूर आउणगे, कहिण ते बन दरवाजा बन गया जी, वड्डा दरवाजा खुला दरवाजा बन गया। ते रोज सतगुरु दी याद विच बैठना, उहने रोज सिमरन करना, ते ज्यों ज्यों सिमरन करे आप सब नूं पता है। मैं उस दिन कहा सी भाई इहनूं प्रैक्टिकल कमा के देखिए, बेनती है ठीक है, मैं भी रोज कह देना स्टेज ते, ते मैं आप नूं जिन्हां नूं इस संबंधी शौक है कि बंदगी करनी है सिमरन, क्योंकि चाह है ना, चाह तो बिना बंदगी थोड़ा होंगी। भाई साहब कहिंदे आ इश्क मौला, रब का जिहड़ा इश्क है तेनू रब वर्गा बना देगा, तू इश्क करके देख। इश्क मौला मर तुरा मौला कुनत, तू मौला नू इश्क कर, जिन्हू इश्क करेगा उहदे वर्गा हो जाएगा। तू उन्हू मुहब्बत कर, जिवें आपां सफर भी जाने हैं, मैं कहना कार आप जी चलांदे हो, मैं उस दिन भी कहा कि जेडे बंदे अपने दिन दे वित्थां नू भरन लग पैंदे आ उन्हां दा सारा दिन भरिया जांदा है। वित्थ दर्द घरों आए हैं काम तक, गड्डी च बैठे हैं, भावें असीं कहने जे असीं टेप ला लैंदे नाल नाल पाठ चलदा रहिंदा है, वह प्यारे मूँह तो बोलियां कोई मन टिकदा, टेप नाल कित्थे टिक जाणा इहने,
ਉਂਝ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਬਦਲੀਏ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬੜੀ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਚ ਬੈਠੋ, ਨਾਮ ਚ ਬੈਠੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਪੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਪਣੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਘੰਟਾ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਚਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਮਕ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਢੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਭ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਘਿਆੜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਹੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪੋ। ਜੇ ਲੇਟੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾਈਂ, ਪਰ ਜਪੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਹਿ ਸਦ ਕਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਆਪ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਦਣ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਪੈ ਜਾ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਲੇਟ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਓ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿਤੇ 10-12 ਦਿਨ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਪਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਐਤਕੀ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਖੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਕੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਐਤਕੀ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਤਕੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਤਕੀ ਖੁਦ ਆਵੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨੌਨਿਤ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਸਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਧੇ ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਸ ਕਰ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਬਦ, ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸ। ਸੱਚ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਬੂਹਾ ਖਿੱਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ
चाचे फग्गू दे घर चले गए, संगत इकट्ठी हो गई। चाचा फग्गू बैठा सी, जदो हजूर दे घोड़े की आवाज सुनी, घोड़ा खिणकिया, उन्हें देखा इको दम चाचा फग्गू निकलिया बाहर, ते गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने गात्रे कृपाण सी वड्डी। उत्थे लिखे भी महाराज कृपाण पाते हुंदे सन गुरु तेग बहादुर साहब, उन्होंने गल च कृपाण कह गात्रे। सतगुरु नूं घोड़े ते चढ़िया देखिया, इको दम दौड़ के हजूर दे रकाब विच चरण सन चरण चुम्मन लग पिया। महाराज थले उतरे, संगत इकट्ठी हो गई। वह तो बोली कुछ ना जाए चाचे फग्गू तो। महाराज बैठ गए, संगत जो सारी इकट्ठी हो गई तो महाराज ने आवाज दिती, फग्गू तू सद्या सी आ गए, तू दरवाजा वड्डा रखिया, तेरा दिल भी बड़ा वड्डा है, वड्डियां दिलों वाले भी सब कुछ समा जांदा, संकीर्ण दिन वाले कभी बर्दाश्त नहीं करते होंगे। जो महाराज ये गल्लां करन, संगत सोची की कह रहे हैं कि तू वड्डे दिल वाला है, वड्डे दिल वाले सब कुछ सह जाते हैं, संकीर्ण नहीं सहिंदे। उस तों बाद हजूर ने कह लिया गुरु की कार, गुरु की भेटा लेके आ, गुरु की कार। उन्हें जिन्नियां थैलियां सन सारियां लिख लिख के रखियां सन, महाराज आए फलाने सिख दी, आ फलाने सिख दी, सब कुछ दे के महाराज दे कोल बैठ गया। गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे ने एक भेटा तू लुका ली, संगत सोची पै गई भी केड़ी भेटा लुका ली। चाचा फग्गू भी सोचन लग पिया, कहिंदा नहीं महाराज जो कुछ कह मैं दे दिता। हजूर हस पै, कहिंदे नहीं नहीं एक रह गई है, क्यों क्यों दुराई तू साड़ी भेटा, साड़ी भेटा दे। चाचा फग्गू फिर चुप, फिर दूजी बारी बोलिया नहीं, पहली बारी कह दिता महाराज जो कुछ है मैं दे दिता, दूजी बारी चुप कर गया। कहिंदा मना तू गलत हो सकना, गुरु गलत नहीं हुंदा। उस बंदे सियाणप कहिंदा भी तू तू तेनू भुल गया होना है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा याद कर, आओ सामने बेरी की दी होए, वह बेरी किस दी है? चाचे फग्गू कहिंदे वह बेरी मेरी है। बस जी इन्नी गल सुनदिया सार चाचा फग्गू हजूर दे चरणा ते चुफाल डिगया। यह सच है, उस बंदे ने बिरहा विच आ के हजूर दे चरण धो दिते। सतगुरु कह मैं तेनों ता ही कहा सी, तेरा कला बाहर का दरवाजा वड्डा नहीं, तेरा दिल भी वड्डा है। जो रो पिया कहिंदा नहीं सतगुरु ये बेरी भी तेरी है, ये बेर भी ये लगे ने तेरे ने। गुरु तेग बहादुर कहिंदे संगत नूं सुना साखी सारी, संगत नूं दस की घटना वापरी, तू आवाज मारी असी आ गए। कहिंदा सच्चे पातशाह फिर संगत चो ने सुनाया, कहिंदा साध संगत जी मैं हर महीने सिखां दे घर च कार भेटा लेके आना, ते जो सतगुरु ने होका देने लई कहा मैं वह भी दे के आना। कहिंदा एक निर्धन सिख सी, मैं उहदे घर चला गया, तो मेरे मन च आया भी जो भी यदि किरत हुंदी है थोड़ा बहुता देंदा है ना, तो अज मैं आया आवाज दिती सिखा अंदरों, सिखनी बोली घर नहीं हो। कहिंदा मैं क्या बीबा मैं आया हाँ गुरु की कार भेटा लैन, तो जो है मैं दे दियो। वो कहिंदी साडे कोल गरीबी कुछ नहीं, साडे कोल कुछ नहीं, साडे कोल। कहिंदा गुस्से वेसी तलखी सी, कहिंदा मैं फिर आवाज दिती कि बीबी जो कुछ है दे दे, जो घर च है कार भेटा मैं लैन आया। कहिंदी उहने बौकर मार के मिट्टी इकट्ठी कीती सी, कहन लगा कर झोली तेनू घट्टा तेरी झोली च पानी है। मेरे मन च आया कि गुरु तो कौडी भी प्रवान कर लैंदा, देन तो लगी है गुरु के नाते ना। कहिंदा मैं झोली कर दिती, उन्हें मिट्टी विच पा दिती। ये हकीकत है जी, जगह दी एवें ना समझो भी नहीं। उहने झोली च मिट्टी पा ली, कहिंदा मैं मिट्टी बन ली ते मैनूं यकीन सी इस मिट्टी विचों भी कुछ निकलेगा। कहिंदा मैं घर आ गया, सारियां पिटावां लिख लईआं, फिर कहनू मिट्टी नूं बन के रखा, इत्थे की लिखा याद ना भुले। कहिंदा फिर मैं मिट्टी दे उत्ते पानी पाया, भांडे च मिट्टी पा के पानी पाया, जदों हाथ मारिया ते विचों बेर दी गिटक निकल आई। आ बेरी सामने जिहड़ी सतगुरु, फिर मैं बेर दब दित्ती, आ बेरी ओह तेरी भेटा है।
सच्ची मची मैं भुल गया सा, ये बेरी मेरी तुहाडी भेट आ के सारी संगत दे नेत्र नम हो गए। गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे आ ताई तेनु मैं कह रहा सा, वड्डियां दरवाजियां वाले ही गुरु नू लियांदे आ, ते वड्डियां दिलां वाले गुरु दे नां ते मिट्टी भी झोली विच पवा लैंदे आ। मैं की पटना साहब कथा करन गया जी, ते उत्थे फिर सिंह आए, मैं रुकिया सी जिथे, ते वो दुपहरे मिलन आए, ते मैनू उन्होंने दिते जी बेर। मैं कहा जी कौन तुसी, क्योंकि उन्होंने दिनों बेर होंगे ने जानवीर, कहिंदे ने असी ससराम तो आए हाँ, जिहड़ी तुसी मंजीत साहब कथा सुनाई सी उस बेरी दे बेर लैके आए। मेरे मन च बड़ा आया मना, मैं गया तो नहीं, ये बंदे आए ने, तू ये बंदे ना देख, उस गुरु तेग बहादुर की असीस देख जी की तू गल करके आया। मैं आपनूं बेनती करांगा, गुरु की प्रीत कदी झूठी नहीं होंदी, दुनिया छड़ जाएगी गुरु तेग बहादुर कदी नहीं छड़ेगा, सच्ची है। इस करके जिन्ना सच्ची प्रीत की उन्हें कहा कि झूठी छड़ दी है, साची प्रीत हम तुम से जोरी, तुम से जोर अवर संगतोरी, क्योंकि जगत में झूठी देखी प्रीत। पर गुरु तेग बहादुर साहब उत्थे रुके, उन्हें फिर असीस दिती, उत्थे हजूर का गुरुद्वारा है, एक गुरुद्वारा उत्थे होर है ससराम। जदों महाराज जार लगे ना जी घोड़े ते, ते घोड़ा अगे ना तुरे, मैं आपनूं बेनती करांगा, किताब शायद नैट ते तुहानूं मिल जावे तां नहीं मिलनी, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जिहड़ी यादगारी स्थान ने पटियाला यूनीवर्सिटी ने छापी सी महाराज दे शहादत वाले डॉक्टर फौजा सिंह दी लिखी हुई है, ये जरूर उन्हों पढ़ लियो। पर मैं फिर भी कहांगा इस राइटर दे गुण नूं देखियो। उत्थे जदों महाराज तुरे ते घोड़ा रुक गया, एक घर तों अगे घोड़ा ना जाए, ते महाराज कहिंदे ने घोड़ा चल नहीं रहा, कोई कारण है, तुरदा नहीं। इस घर च कौन, कहन लगे दो भैन ते भरा ने, तुहानूं मुहब्बत करदे ने, ते बैठे इस करके ने, गुरु आप साडे घर आवेगा। फिर महाराज उतर के उत्थे भी जांदे आ। मैं आप नूं बेनती की, जगत की प्रीत झूठी है, गुरु की प्रीत बिल्कुल झूठी नहीं, वो तो उत्थे जांदी जिथे शरीर नहीं जांदा।